हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, ये वीडियो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम दे रहे सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो दोस्तों, शुरू से देखते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का कोर्ट केस था, 27 जुलाई को कोर्ट में जो केस लगा हुआ था, काफ़ी लोग उम्मीद लगाए थे कि हो सकता है भर्ती पर स्टे लग जाए, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए, स्टे लग जाए, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया। अब आप लोगों का एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो होगा वो 29 जुलाई को ही नियत समय पर और नियत स्थान पर होगा। तो आप लोग अपने जहां आपके परीक्षा केंद्र हो वहां पर परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाएं, ताकि आप लोगों को बाद में किसी तरह की समस्या या परेशानी से ना जूझना पड़े। तो दोस्तों, ये बात आपको पता लग गई कि कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। अब आप लोगों का एग्ज़ाम 29 जुलाई को ही होगा, ये निश्चित हो गया है। 100% एग्ज़ाम 29 जुलाई को ही होगा। इसके बाद अब कुछ बातों का को ध्यान में रख लीजिए। तो दोस्तों, इन बातों पर विशेष ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, और परीक्षा केंद्र पर पहुँचने से पहले ये सभी काम कर लें जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अन्यथा आपको एग्ज़ाम में बैठने से वंचित किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है ये है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अभ्यर्थी देंगे एलटी ग्रेड परीक्षा। तो आप लोगों का जो एलटी ग्रेड परीक्षा का एग्ज़ाम हो रहा है, ये सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा बहुत ही सख्ती से। और बताया जा रहा है एसटीएफ को भी अभी से ही बता दिया, एसटीएफ को भी सूचित कर दिया गया है, ताकि जो सॉल्वर गैंग होता है, जो एग्ज़ाम सॉल्व कराते हैं, उनसे निपटने के लिए एसटीएफ को पहले से ही आगाह कर दिया गया है कि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उससे निपट लें पहले ही। और इसके अलावा बहुत ही अधिक सख्ती की जा रही है, इसी वजह से आप लोगों के सेंटर इतनी दूर डाले गए। लगभग 400 किलोमीटर एवरेज सेंटर पड़ा है प्रत्येक स्टूडेंट का, तो लगभग इतनी दूर, इसी वजह से आप लोगों के सेंटर इतनी दूर पड़े हैं। तो दोस्तों, जो कुछ खास बातें इनका ज़रूर ध्यान रखें कि जूते मोजे व घड़ी पहनकर नहीं दे सकेंगे एग्ज़ाम, यानी कि जूते मोजे और घड़ी पहनकर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, पहली बात। और अब इसमें आगे पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो उधर आयोग ने भी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों को केवल एडमिट कार्ड के साथ काले रंग का बॉल पॉइंट पेन लाने की अनुमति है। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको ब्लैक कलर का पेन लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन काले रंग का। इसके अलावा दोस्तों, मोबाइल फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके अलावा जूते मोजे और चश्मा, पर्स, हाथ में किसी भी प्रकार का बैंड, धूप वाले चश्मे, पर्स, टोपी, घड़ी, बालों में बांधने वाला क्लेचर, बेल्ट पहनकर, इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आप लोग इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को स्लीपर पहनकर या सैंडल पहनकर जाना होगा, हो सके तो स्लीपर पहनकर ही जाएं, इसमें आपको बाद में परेशानी ना हो, ऐसा कोई काम ना करें। और एडमिट कार्ड अपना साथ में लेकर जाएं, साथ में अपना एक आईडी प्रूफ भी ज़रूर रख लें, अन्यथा आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बातों का, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, और बिल्कुल भी घबराएं मत, टेंशन मत लें। जो आप लोगों ने तैयार किया है एग्ज़ाम उसी में से आएगा, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे मन से पेपर देकर आएँ, और इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखें। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों को पता लग जाए। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल सफलता मंत्र। थैंक यू दोस्तों।